नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त प्रिंस कुमार एक बार फिर आपको अपना चैनल क्रिप्टो ज्ञान सागर पे स्वागत करता है। और आप सबके सामने पाई नेटवर्क में हुई न्यू अपडेट जो हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी को लेकर के आया है, उसे मैं आप सबके सामने डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश भी ना करिए ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, फाइनली आज हम लोगों की मेहनत कामयाब हो गई है। आज बहुत ही खुशखबरी को लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक और स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के रेगुलर अपडेट पाएंगे। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क ने एक नई अपडेट को लेकर आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1,00,000 फ्री KYC स्लॉट, वी आर अनाउंसिंग 1,00,000 फ्री KYC स्लॉट ओपन टू पायोनियर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ ऑन द डेली बेसिस स्टार्टिंग टुडे। आवर विल बी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट पायोनियर बेस्ड ऑन द देयर पास्ट एंड फ्यूचर पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इंक्लूडिंग नोड प्लेटफॉर्म कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट ETC। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे ऐसा लिखा हुआ। इसके कहने का मतलब ये है कि ये पाई नेटवर्क जो है वो 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को KYC करने के लिए सेलेक्ट किया है, जिसमें आपका भी नाम हो सकता है। ये KYC जो है बारी बारी से सबके साथ आएगी, अपडेट बन के आपके पास भी आएगी। इस अपडेट के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क ने 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को KYC करने का लिस्ट जारी किए कर दिया है, जो बारी बारी से सबके पास आएगी। और जिसके पास ना आए उसे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी पहली राउंड में 1,00,000 से जो ज़्यादा अधिक लोगों को सिलेक्ट किया है, दूसरे राउंड में और ऊपरेगा, ये सबके पास आएगी, बारी बारी से आएगी। KYC कुछ इस प्रकार से होगा कि आज कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, फिर कल कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा, ऐसे कर करके ये 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को पहली राउंड में करेगा, फिर दूसरी राउंड इसका तैयार होगा। तो जब आप KYC अगर आप लिस्टेड हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब आप KYC लिस्टेड हो जाएगा तो सबसे पहले आप हमारे इसमें आप यहाँ पे जाइएगा, 3 डॉट पे प्रोफाइल में जाइएगा। प्रोफाइल में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। जब आप सिलेक्ट हो जाइएगा तो आपके 3 डॉट पे प्रोफाइल में जाने के बाद आपको फ्री KYC स्लॉट आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा कि यू आर सिलेक्टेड टू पास KYC फॉर फ्री फॉर द नेक्स्ट 24 आवर पेंडिंग हैविंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट KYC इज आइडेंटिकली वेरिफिकेशन टू प्रूव योर ह्यूमन बीइंग एंड विल बी आर रिक्वायर्ड बिफोर क्लेमिंग ऑन पाई। ये कह रहा है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर आप KYC नहीं करते हैं तो आपका ये पेंडिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके बाद फिर हमारे पास इसके KYC करने का मौका आएगा, फिर हम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा आया होगा तो आप हम तो आपको कहेंगे कि आप KYC कर लीजिए। और KYC करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होती है, उसे मैं बता देना चाहता हूँ। पहला से आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट में आपसे पूछेगा क्या आपके पास पासपोर्ट है, तो आप पासपोर्ट होगा तो आप यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपके पास नेशनल ID है, जैसे कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो अगर आपके पास होगा, ये तो नॉर्मली सबके पास होते ही हैं, तो आप इसमें यस करेंगे। उसके बाद डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास है, मैंने यस कर दिया। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद अपना आगे जाएंगे तो आपको ये सबकी मांगेगा। उसके बाद आपका ये आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब मांगेगा।